हाय बच्चों, इस बार हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स। लिमिट्स का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। वैसे लिमिट्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनमें से एक टाइप हम लोग डील करेंगे आज, जिसमें जीरो पे पावर जीरो आता हो या नहीं तो इन्फिनिटी पे पावर जीरो आता हो। इस तरीके की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, जेई के लिए या फिर बिटसैट के लिए या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखना। मैं इसको पहले थ्योरम थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। हमारे पास एक लिमिट है, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पे पावर जी एक्स, इस फॉर्म में है। क्योंकि दो फंक्शन हो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं दो फंक्शन को, जीरो पे पावर जीरो, इन्फिनिटी पे पावर जीरो। अब मैं यहां पे लॉग ले लेता हूं बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लॉग ऑफ ई एफ ऑफ एक्स जी एक्स दिस वन, और वी कैन राइट जी एक्स लॉग दिस जी एक्स कैन कम दिस वे लॉग ऑफ एफ एक्स दिस वन। तो अगर मेरे पास L, यहां पर जो LHS है log बेस E L है, तो L मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर, यहां पे लिमिट तो रह गई एक्सटेंड्स टू a, सो e टू द पावर आई एम गेटिंग लिमिट एक्सटेंड्स टू a log एफ एक्स पे पावर जी एक्स, ठीक है। यहां से लॉग हट जाएगा तो सब कुछ ई पे पावर आ जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ई पे पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको मैं फ्रेश लिख देता हूं, L इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये इसका पूरा टोटल रिजल्ट निकल के आ गया है। तो इस तरह का फंक्शन को वी कैन राइट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स पे पावर वन अपॉन कॉस एक्स, इसको लिमिट को हमें फाइंड करनी है। दिस वन दिस इज पाई बाय टू माइनस, हाय बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स करने वाले हैं। ये और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिमिट का, जो मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है, जीरो टू द पावर जीरो, इन्फिनिटी पे पावर जीरो एंड वन पे पावर इन्फिनिटी। बच्चों इस तरह की लिमिट्स आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस या बिटसैट के लिए या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ मैंने एक एक्सपेंशन भी लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और जितने भी एक्सपेंशन की लिस्ट है वो आपको यूट्यूब में ही मैंने डाल दूंगा, वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल तो मैंने एक लिख दिया है, बाकी पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी आपको। आपको ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास एक लिमिट है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये लिमिट है। हमने लॉग ले लिया बोथ द साइड्स, और तो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, लॉग बेस ई एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स दिस वन। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, लॉग बेस ई एल लिमिट
x tends to a gx log of fx, ठीक है, सिंपल है, log की प्रॉपर्टी सबको पता है। तो अगर मुझे यहां से l चाहिए, मैं यहां से log हटा दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर लिमिट x tends to a gx log of fx, ये मिल जाएगा बच्चों। तो इस पे बेस्ट हम लोग आगे काम करके देख सकते हैं। तो जब भी हमारे को 0/0 या इंफिनिटी पे पावर 0 मिले, तो आप लिमिट को इस स्टेज में ले जाओ, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो इस स्टेज में ले जाकर, यू कैन सॉल्व इट फर्दर, जो काफी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 to the power इंफिनिटी की। तो एक एक्सपेंशन मैंने लिखा है, आप इसको लिख लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, तो ये काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्प करेगा मुझे सॉल्व करने में। हम लोगों ने लिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x to the power 1/x। इसकी एक्सपेंशन की वैल्यू देखते हैं कैसा आता है। तो यूजिंग इसका जो एक्सपेंशन होगा, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मैंने लिख रखा है, तो इसकी हेल्प लेने वाले हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, और इस पूरे की जगह मैं लिखने वाला हूं 1 + ये वाला एक्सपेंशन 1/x इंटू एक्स प्लस दिस वन, ये मिल गया मुझे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एक्स तो चला जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो यहां 1 - x बचेगा। लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज 1 + 1, 1 - x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 factorial प्लस ये हो जाएगा 1/x³, 1 - x, 1 - 2x, 3 factorial x³ + 1, दिस वन। सो x स्क्वायर कट, x क्यूब कट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये 0 हो गया, यहां भी 0 डाल सकते हैं, तो मुझे मिल जाएगा 1 + 1 प्लस 1/2 factorial प्लस 1/3 factorial एंड सो ऑन। तो ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, अगर किसको याद नहीं है तो आप नोट डाउन कर लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से कह रहा हूं, आपको मिल जाएगा लिमिट सारे जो एक्सपेंशन है वो। तो ये जो पूरा होता है वो ई होता है, x टेंस टू 0 होने के बाद मुझे ई मिल गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो ई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक अगर मैं आइडिया ले लू, एक आपको बेसिक आइडिया दू, तो इस तरह के फॉर्म के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 + fx to the power 1/fx, ये हमारे को ई देने वाला है। ये fx इस केस में x है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, तो हमारे को इसके लिए एक्सपेंशन है वो e मिलेगा, ठीक है। इस चीज पे मैं फोकस करने वाले हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं, एक और थ्योरम बता देता हूं। तब तक आप आपका आइडिया हो जाएगा कि जेई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई की क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं इस पे बेसिस पे। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए ये एफ एक्स पे पावर जी एक्स, या फिर आप यू कह सकते हैं ये 1 + fx है, तो मैं लिख रहा हूं 1 + fx, या फिर सीधा fx लेके ही आप कर लो, आपको लगेगा मैं कुछ मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, ये fx पे पावर gx है। तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए बच्चों, 1 + fx के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट, हाँ इस फॉर्मेट में है, लेकिन हमारे को 1 to the power इन्फिनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू ए fx ये 1 होगा, एंड लिमिट
एक्स टेंस टू ए जी एक्स ए इनफाइनाइट होगा, राइट। तो वन टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है ये। सो एक्स टेंस टू ए वन प्लस एफ एक्स माइनस वन होल टू द पावर है जी एक्स, ठीक है। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन टू द पावर वन अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन दिस वन, ठीक है बच्चों। मतलब इस फॉर्म को हमने यहां तक लिख लिया है इस फॉर्म, तो ये जो पूरा फॉर्म मिल रहा है हमारा लिमिट, इसको हम दो लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतने को एक साथ रख लेंगे, इतने लिमिट को अलग लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट लिमिट एल इज इक्वल टू एक्स टेंस टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसको ब्रैकेट में डाल दो, एंड वन अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एंड देन लिमिट को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस लिमिट को मैंने अलग कर लिया, इस लिमिट को भी अलग कर लिया, एक्स टेंस टू ए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स दिस वन। तो इसका फॉर्मूला स्ट्रेट वे में ये लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर, ये तो पूरा e हो गया ना, यहां से यहां तक e वाला फॉर्मेट हो गया, वन प्लस सम फंक्शन टू द पावर वन अपॉन दैट फंक्शन। सो आई एम गेटिंग लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ये आ गया हमारा लिमिट। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट का लिमिट हो, वन टू द पावर इन्फिनिटी को फॉलो कर रहा हो, तो हम लोग डायरेक्ट स्टेट वाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, विच इज इजी टू डू। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाय बच्चों, यहां दो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, और दोनों का फॉर्मेट मैंने लिख रखा है। अगर आपके पास आता है जीरो पे पावर जीरो या इंफिनिटी पे पावर जीरो, तो आप लिमिट्स को इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है बच्चों। और वन टू द पावर इंफिनिटी आता है, तो लिमिट्स को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दोनों का मैंने डेरिवेशन भी बता दिया था एक तरीके से, तो डेरिवेशन नहीं भी आपको आता है तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मेट को आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, फुल मार्क्स। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स, तो आप चेक कर लो कौन से फॉर्म को बिलोंग करता है। आप एक्स की वैल्यू डालो डायरेक्ट जीरो, यहां पे जीरो है ना लिमिट, तो ये मिल जाएगा मुझे वन टू द पावर, वन टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि इस फॉर्म को, इस फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ एक्स माइनस वन दिस वन इंटू कॉट एक्स, सीधी सी बात सिंपल है। कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन, तो कॉस एक्स माइनस वन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो ये टू और ये टू भी गया, साइन और साइन भी गया, तो मुझे क्या मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब मैं एक्स के जीरो डालने वाला हूं, तो ये साइन का फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग ई टू द पावर जीरो दैट इज वन, ये नोट कर लो बच्चों, दिस इज वन आंसर। दूसरा देखते हैं,
ये वाला फंक्शन हमारे पास है, x टेंस टू जीरो है तो ये हो जाएगा वन टू द पावर इंफिनिटी वाला। तो यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इस फॉर्मेट पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर ए, सब कुछ f ऑफ x माइनस वन, दैट मीन्स वन प्लस एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, दिस इज x और ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, वन हो गया। सो e टू द पावर वन मीन्स e ओनली। प्लीज सॉल्व कर लो बच्चों। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू कॉस ऑफ x टू द पावर कॉस x। यहां पे आप चेक करो इस कौन से फॉर्म में है, ये है जीरो बाई जीरो, जीरो अपॉन जीरो पे पावर जीरो का फॉर्म इस फॉर्म में है, तो हमें ये वाला लिमिट चाहिए। तो इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू cos of x to log of cos x, this one, or I can write limit x tends to pi by 2 log of cos x upon sec x। तो इसे डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल सबको पता होता है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट x tends to pi by 2 log of cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू माइनस ऑफ sin x, और sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x। ठीक है बच्चों, ये हो गया sec x tan x। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin अपॉन cos, तो साइन साइन कट कॉस कॉस कट, बचे मेरे पास बच्चे का माइनस वन अपॉन सेक एक्स। ठीक है बच्चों, तो लिमिट एक्स टेंस टू पावर दिस एंटायर थिंग माइनस वन अपॉन सेक एक्स, और यू कैन से माइनस कॉस एक्स। सो कॉस एक्स ई टू द पावर जीरो हो गया, क्योंकि कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, सो वन। I'm getting answer as 1 for this। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, we have been given a question, this one, limit x tends to 0, sin x upon x whole to the power sin x upon x minus sin x। तो हमें यहां देखना है कि बच्चों ये कौन से फॉर्मेट से मैच करता है। तो पहले काम करते हैं, दोनों लिमिट्स को निकाल के देख लेते हैं। ये तो स्टेट में फॉर्मूला है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, और यहां लिमिट लगाएंगे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इस वाले साइन एक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, नीचे लाके साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये तो वन हो गया, दिस इज वन, वन माइनस वन, 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 0 दैट मीन इंफिनिटी। तो मुझे मिल गया 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा। सो हमारा लिमिट था मेनली, हमने चेक कर लिया, इसको हटा दिया मैंने, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट इस फॉर्मेट में। तो मैं लिखूंगा लिमिट e टू द पावर x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, दिस वन, ये हो जाएगा हमारा। सो इसे सिंप्लीफाई करनी है, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स।
तो ये कट जाएगा, माइनस वन बचेगा हमारे पास, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस ऑफ साइन x अपॉन x। तो बच्चों ये तो वन हो गया, या और ये हो जाएगा टोटल e टू द पावर माइनस वन, सो वन अपॉन e इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग ये कर लेते हैं, दिस क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x होल डिवाइड बाय 3, पूरे पे पावर है 2 बाय x। तो एक जीरो डाल देंगे तो ये a टू द पावर 0 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, 3 बाय 3 1 हो गया, 1 टू द पावर इंफिनिटी हो गया। दैट मींस वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ लिमिट। तो इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x, दिस वन इंटू 2 बाय x, ये मिल गया है मुझे। तो ये भी एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये तो माइनस 3 मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं e टू द पावर 2 बाय 3 को आप लोग बाहर कर लो, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस 1 b टू द पावर x माइनस 1 c टू द पावर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, दिस इज डिवाइड बाय x, x है सबके लिए डिविजिबल है, दिस वन। ये तो स्टेट अवे फॉर्मूला हो गया बच्चों, e टू द पावर 2 बाय 3 log ऑफ a log ऑफ b log ऑफ c, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ना log ऑफ a। मैं फॉर्मूला की लिस्टिंग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूं बच्चों। तो इसको और छोटा भी बना सकते हैं हम लोग, ए बी सी लाइक दिस, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाया है। और छोटा बनाना चाहते हो तो e टू द पावर लिख लो ए बी सी पे पावर 2 बाई 3, तो ये पूरा लॉग हट जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए बी सी टू द पावर 2 बाई 3, सो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, सो नोट डाउन कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 होल टू द पावर x। तो इंफिनिटी का केस है, इसको देखते हैं कौन से फॉर्मेट में लाइक करता है, चेक कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, मैंने x कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 अपॉन x, यहां भी x कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 बाई x एंड दिस इज योर x। तो x टेंस टू इंफिनिटी डालेंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये मिल जाएगा मुझे 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो मैंने चेक कर लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला हियर। सो ये फॉर्मूला पूरा मैं चेंज करने वाला हूं, इस फॉर्म में लिखने वाला हूं, दैट मींस e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी दिस वन fx माइनस 1, दैट मींस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इंटू gx दैट इज x ओनली। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, नया फॉर्मेट मिल गया जो कि इजी टू सॉल्व होगा, x माइनस 3 दिस इज व्हाट माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 दिस वन। तो ये x और x तो गया, मुझे मिल जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी दैट इज माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू x। अब मैं नीचे में x कॉमन ले तो सकता हूं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस ऑफ 5x, x कॉमन आ गया 1 प्लस 2 बाय x दिस वन, x और x तो गया। x टेंस टू इंफिनिटी का मतलब हो गया 2 अपॉन x का टर्म 0 हो जाएगा, तो मुझे माइनस 5 मिला सिर्फ, e टू द पावर माइनस 5। सिंपल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आपने फॉर्मेट को पहचान लिया तो आप सिंपल फॉर्मूले में डाल सकते हो। दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2000, इसको नोट करो बच्चों, आगे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना आप बच्चा, आप लोग पूरा लिमिट्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमारे को 1996 से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और एक 2006 का भी मैंने रखा हुआ है।
तो बच्चों इसको देख के आपको लग रहा होगा कि क्या करें इसमें, है ना, सिर्फ हालांकि जिसको प्रैक्टिस है वो सिंपल भी है। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो इस किस फॉर्मेट में है, अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरो डाल दूं तो टोटल वन मिल जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सो वन टू की पावर इन्फिनिटी का फंडा आ गया हमारे पास, तो हम लोग ये वाला चीज लगा सकते हैं यहाँ पे। सो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इनटू gx मल्टीप्लाइड हो जाता है वो पावर, है ना। इस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया है, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर ये तो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, x टेंस टू 0 है तो ये e टू दी पावर 2 रह गया हमारे पास, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना सिंपल। दूसरी बात हम इसकी बात करेंगे आईपीजेई 2006, तो यहां पर लिमिट्स हमारे को गिवन है, इस टोटल की वैल्यू मांग रहा है ये, ठीक है। तो इस लिमिट को ब्रेक करके दो लिमिट में बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन 1 बाय x। तो जब x 0 यहां पे होगा तो 0 टू दी पावर इंफिनिटी है, तो 0 पे पावर कुछ भी हो वो तो 0 ही मिलेगा, ये टर्म तो 0 हो गया। प्लस इसकी बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x टू दी पावर ऑफ साइन x, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय 0 यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी टू दी पावर 0, यानी कि इस फॉर्मेट में काम करने वाले हैं हम लोग, राइट। इंफिनिटी टू दी पावर 0 मींस ये वाला चीज, तो इसके लिए ये तो 0 हो गया इसे आप लोग हटा दो, इसकी बात करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू log ऑफ 1 बाई x, ठीक है। और इसको हम लोग लगा सकते हैं, अब x टेंस टू 0 की बात हो रही है तो यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं, तो क्या लिखे बच्चों, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log x, log 1 बाई x को अपॉन cosec x, इसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी यहां पे लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऊपर नीचे, लिमिट x टेंस टू 0 या फिर इसको सिंप्लीफाई भी करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्राई। सो log x हमें मिल गया माइनस ऑफ log x अपॉन cosec x, तो अगर मैं इसको x टेंस टू 0 डालता हूं तो log 0 होता है, log 0 एक्चुअली डिफाइन नहीं होता एक्चुअली, और ये हो जाएगा हमारे पास cosec 0, तो cosec 0 होता है 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी होता है, तो इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, कि हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल यहां लगा सकते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई x, और हम लोग cosec को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो ये हमारे को मिल जाएगा sec x, दिस इज योर sec x, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं बच्चों, दिस इज हमारे पास आ गया माइनस ऑफ log x अपॉन cosec x, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 बाई x, cosec को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, cosec x cot x, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएशन भी याद होनी चाहिए, माइनस
कॉस को मैं रिकॉर्ड पर लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, तो माइनस वन अपॉन एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला गया, दिस इज योर कॉस एक्स। तो यहां पर हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं और यहां x लगा सकते हैं, तो वन हो गया जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली e to the power जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वन आएगी, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने चीजों को आना चाहिए, तो लिमिट्स बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन गाइस।